नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, विदिशा जिले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां गंज बासोदा कुआं हादसे के मामले में मजिस्ट्रियल जांच होगी। तो गंज बासोदा में कुआं धंसने के मामले में कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट वृंदावन सिंह इस मामले की जांच करेंगे। तो 6 बिंदुओं पर ये जांच होनी है। गंज बासोदा में कुआं धंसने का मामला, जिसमें जिला कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट वृंदावन सिंह इस मामले की जांच करेंगे। तो 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी। 6 बिंदुओं पर ये रिपोर्ट बनाई जाएगी। जांच के आदेश कलेक्टर ने दे दिए हैं, जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट वृंदावन सिंह मामले की जांच करेंगे। तो 15 जुलाई को गंज बासोदा में शाम करीब 6 बजे कुआं धंसने का मामला, जहां कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। चल, इसी खबर पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर अद्वर्यू जी लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, गंज बासोदा कुआं हादसा 15 जुलाई को हुआ, जिसमें कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। किन किन बिंदुओं पर जांच करने के आदेश दिए गए हैं, साथ ही बताएं कि कब तक ये रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो गंज बासोदा में जिस तरह से ये घटना हुई, बड़ी भीवस घटना हुई, दर्दनाक घटना हुई, इसमें 11 लोगों की जान चली गई। उसके बाद कलेक्टर जो है, उन्होंने अपर कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। वृंदावन सिंह है, उनको पूरे 15 दिन में पूरे जांच करके रिपोर्ट सौंपने के आदेश जारी किए। निश्चित तौर पर इन जाँच के जो मुख्य बिंदु है, उसमें ये है कि ये जो कुआ बना था, ये किस योजना के तहत बना था, किस विभाग के द्वारा इसको कुएं को बनाया गया था। इसके अलावा अगर ये कुआ उपयोग में आ रहा था तो इसका रखरखाव क्यों नहीं किया गया, आखिर इसके पीछे क्यों जवाबदार है, और अगर उपयोग में नहीं आ रहा था तो इसको आखिर बंद क्यों नहीं कर दिया गया। इसके अलावा जो जब वहां पर बच्चा गिरा, तो जो लोगों ने, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, बचाव कार्य कर रहे थे, तो उस समय प्रशासन के या पुलिस के लोग कहां थे? अगर थे तो जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनको आखिर क्यों नहीं रोका गया? ये तमाम तरह के जो 6 बिंदु हैं, इन बिंदुओं को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया कि कलेक्टर वृंदावन सिंह पूरे मामले की जांच करेंगे। जांच के उपरांत 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, और इसके बाद जो भी विभाग है या जो भी अधिकारी है या जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ऋतु जी, बिल्कुल अंकुर जी, कार्रवाई तो की जाएगी, जांच के आदेश दे दिए गए हैं और मुआवजा भी दिया गया है, लेकिन इससे जो लोग गए हैं, जिनकी मौत हुई, उन्हें तो वापस नहीं लाया जा सकता। आगे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर सरकार के क्या कुछ कदम देखे जा रहे हैं, क्या कुछ प्रयास देखे जा रहे हैं, ताकि आगे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो? निश्चित तौर पर आगे इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। जो लोग भी इसमें दोषी हो, जो भी, चाहे किसी विभाग का व्यक्ति हो, चाहे प्राइवेट व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी हो, उस पूरे, इसीलिए ये जांच की जा रही है कि एक इस तरह की घटना की प्रदेश में कहीं पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर इस तरह के कुएं हैं, अगर किसी योजना के तहत कुएं बने हैं या बोरिंग है, जैसे बोरिंग को भी लोग छोड़ कर चले जाते हैं, कई बार देखा गया बच्चा गिर जाता है, कई बच्चों की मौत भी इसमें हो गई है। इस तरह के जो कुएं बने हुए हैं, तो इस तरह के आकर कुएं बने हैं तो उपयोग में आ रहे हैं या नहीं, प्रदेश भर में की को लेकर भी एक कह सकते हैं प्रशासन के द्वारा तैयारी की जा रही है। इस तरह के कुओं के बारे में भी पता लगाया जाएगा कि आखिर इस तरह के कहां कहां कुएं हैं, कहां कहां बोर हैं, इन सब चीजों के बारे में पता लगाया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो भी इस गंज बासोदा मामले में जो भी व्यक्ति दोषी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।